हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स बेटेबल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, वो एक क्विक एनर्जी चेक होगी और क्विक एनर्जी चेक में आज मैं देखने वाली हूँ कि आज रात उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी, वो क्या सोचेंगे आपके लिए, क्या करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी। ठीक है, चलिए मेरे साथ बने रहिए, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। अगर आपसे मैच होती है तो बिल्कुल लाइक के साथ आपको सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज भी है मेरा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा जाके, टैरो एक्सपर्ट 666 मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, और इस चैनल को आज आपको सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए ये कहूँगी कि स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़ गाइज। ओके, बहुत अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। विदेश में से भी आप करा सकते हैं, कोई मनी ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा और साथ ही साथ आपको बहुत ही डिटेल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आज रात वो आज आपके लिए क्या फीलिंग्स रखेंगे, क्या सोचेंगे आपके लिए, ये सब बातें मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज बताइए, आज रात क्या एनर्जीज रहेगी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। चलिए दोनों के बारे में देखते हैं, थ्री कार्ड्स आपके लिए और थ्री कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी ही एनर्जी निकालूंगी कि आपके क्या भाव रहे हैं। ठीक है, आपकी क्या भावनाएँ आज रात, ठीक है, उनके लिए भावनाएँ कैसी रहेगी, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी रीडिंग कितनी मैच हो रही है। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं आपकी भावनाएं निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की भावनाएं निकालूंगी। आज रात उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी, सबसे पहले आपकी, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग दीजिए। व्यूअर्स क्या फीलिंग्स रहेगी मेरे व्यूअर्स की। ऑल राइट, आप दोनों के फीलिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं हम, तो मैं इस डेक के दो हिस्से कर लूँगी, उसके बाद मैं आपकी और इनकी फीलिंग्स निकालूंगी। ऑल राइट, तो चलिए अच्छे से शफल कर लेते हैं एक बार। ओके, आप दोनों की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स की और इनके पार्टनर की, चलिए दो हिस्से कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले आपके लिए थ्री कार्ड्स। ओके, बाय द बुक, को क्रिएट एंड ब्रीथ। ओके, ये आपकी एनर्जी है गाइस। ओके, और बॉटम का कार्ड दिखाती हूँ, हैप्पी हैप्पी। ओके, इसको हम साइड में रख लेते हैं, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी है पॉइज्ड, कॉन्फ्लिक्ट, चॉइस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रुथ बी टोल्ड, और बॉटम में देखिए अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि टोटली यहाँ पे आप दोनों क्या फील कर रहे हैं, आज रात क्या फील करेंगे आप लोग। तो मैं सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की बात करूँगी, यहाँ पे नंबर बता देती हूँ पहले, 11 नंबर, 40 नंबर और 29। ठीक है, आपकी एज हो सकती है 48, 33, 14। ठीक है, ये भी आपकी एज हो सकती है। यहाँ पे देखिए आपके आपकी जो एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनकी एनर्जी ये है कि आप नियम कायदे कानून को साथ में रख के कुछ करना चाहते हो। इनके साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें आप बाय द बुक, यानी कि सोसाइटी कानून क्या कहता है, इनके साथ रिलेशनशिप में कैसे जाने हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली, लेकिन आप रीति रिवाज कानून कायदे को फॉलो करते हुए चलना चाहते हो और छोटे छोटे कदम चलना चाहते हो, इसीलिए आप बहुत पेशेंस में हो। ठीक है, कोई जल्दबाजी आपके कार्ड में नहीं है, आपने बहुत पेशेंस रखा है और भी पेशेंस रखोगे, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। ठीक है, आप कुछ सॉलिड करना चाहते हो इसलिए थोड़ा सा वेट और सही आपको लगता है, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, लेकिन बहुत ही पेशेंटली। ठीक है, अभी आप चुप हो क्योंकि आपको सब चीज़ें कायदे कानून के साथ करनी है। ठीक है, आपके पार्टनर क्या सोचें, आपके पार्टनर बिल्कुल जैसे कॉन्फिडेंट है, आपके साथ रेडी होना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। ठीक है, या तो ट्रस्ट इश्यूज हैं या फिर किसी बात को लेकर मनमुटाव हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनको कुछ ट्रुथ बताएं, आप इनको सच्चाई बताएं। ठीक है, ये ऑथेंटिसिटी के साथ चलना चाहते हैं, आपको मतलब हवा में बातें नहीं करें, ये भी सीरियस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइज्ड का कार्ड इनको रेडी बता रहा है। ठीक है, ये हर तरीके से आपके लिए रेडी हैं, बाय द बुक चलने चाहो तो ठीक है, वैसे और किसी वे से चलना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट इस बात का है कि ये आपसे सच सुनना चाहते हैं। ठीक है, और ओवरऑल अगर कहूँ तो ये जैसे चाहते हैं कि आप अपना सच छुपाओ नहीं, जो भी सीक्रेट है उसको बताओ और ऑथेंटिसिटी के साथ चलो। ठीक है, ये आपके पार्टनर सोचेंगे आज रात आपके लिए, और ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी। और देखते हैं हम क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। एक्चुअली आप जो है कहीं ना कहीं इनको जैसे बिना कुछ मांगे, मतलब बिना कुछ डिमांड किए, हालांकि आप जो है अगर मैं कहूँ तो आप बाय द बुक चलना चाह रहे हो, लेकिन बिना किसी डिमांड के, बिना कुछ करे आज भी हैप्पी रहना चाहते हो आप। ठीक है, और आपके पार्टनर क्या हैं, ये जो है आपके साथ ऐसा लगता है इनको कि कुछ चीज़ें हैं जो कि घूम फिर के वहीं पर आ जाती है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी क्लियर
मतलब अपनी तरफ से क्लियरिटी चाहते हो, इनकी तरफ से आप क्लियरिटी चाहते हो कि सच बोले हैं, ठीक है। आपकी जो है एक अनफिनिश सिम्फनी जैसी हो रही है, डेफिनेटली एक चक्कर घूम के वहीं आ जाता है, तो आप चाहते हो कि ये चक्कर जो बार बार चल रहा है आप दोनों के बीच में और एक जगह आके स्टक हो जाता है, तो उस स्टक एनर्जी को बाहर निकालने के लिए आप ऑथेंटिसिटी यानी कि सच्चाई सुनना चाहते हो, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आज रात आप दोनों की भावना इस तरह की होगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि आप क्या सोचोगे, आपके पार्टनर क्या सोचेंगे, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स क्या सोचेंगे और इनके पार्टनर क्या सोचेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर क्या सोचेंगे। ओके गाइस, अगेन मैं हाफ करूंगी इस डेक का और थ्री कार्ड्स आपके लिए और थ्री कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए। तो सबसे पहले थ्री कार्ड्स आपके लिए, आप क्या सोचोगे, थ्री ऑफ कप्स है हमारे पास, द सन, वाओ, और एक कार्ड और निकालेंगे हम, द टावर, ठीक है, और बॉटम का कार्ड, वाओ, फोर ऑफ वॉन्स का है यहाँ पे। और आपके पार्टनर क्या सोचेंगे रात को, हैंग्ड मैन, ओके, टू ऑफ कप्स, क्या बात है, और क्या सोचेंगे, किंग ऑफ कप्स, वाओ, और यहाँ पे देखिए डेविल, ओहो, बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे एरीज, लियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, मुझे यहाँ पे आपके स्टार साइन लग रहे हैं, लेकिन इसके अलावा स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्टार साइन सारे आ गए हैं हमारे पास, ठीक है, बारी बारी से आ जाएंगे नहीं आए तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप क्या सोचोगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को और भी डीप लेवल तक ले जाना चाहते हो, आप इस इंसान को क्लियरिटी देना चाहते हो, सच्चाई बताना चाहते हो, और एक रीबर्थ होगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आप चीज़ों को बहुत ग्रोथ पे ले जाना चाहते हो, अनएक्सपेक्टेड आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो, ये मैं आपकी तरफ से देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर क्या सोचेंगे रात को, आपके पार्टनर जैसे पहले हैंग थे, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो इनमें बदलाव आ रहा है, ये आप टू ऑफ कप्स के एनर्जी में आना चाहते हैं, आपकी जैसी ही एनर्जी है, डेफिनेटली आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ये दिल की भावनाओं को अभी बताते नहीं थे लेकिन आपके साथ प्यार में है, तो डेफिनेटली इनको आपसे प्यार फील होगा। रात को आपको बहुत ज़्यादा जैसे बेचैनी होगी क्योंकि ये आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, याद करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी यादें आएगी, आपकी बातें याद आएगी इनको। आज रात आप तो किसी बात की क्लियरिटी देना चाहोगे लेकिन आपके प्यार, आपके जो पार्टनर हैं आपसे प्यार जताना चाहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो इंसान है बोलता नहीं है लेकिन इनकी हरकतों या एक्शन से आपको लगता होगा कि कितना प्यार करता है, ठीक है। तो आप जो है कहीं ना कहीं सोच विचार करोगे, अनएक्सपेक्टेड इनको कोई सच बताने की सोचो, डीप लेवल तक आप भी कनेक्ट हो इनसे, कहीं ना कहीं आप टेलीपैथी कनेक्ट हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए मैच नहीं होगा, लेकिन आपके पार्टनर जो है एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रात को बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप अलग अलग रहते हो, रात को बोलने से मतलब मेरा ये है कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स जो है बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही हाई रहेगी, इनकी इमोशंस हाई रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, चलिए ये भी देख लेते हैं हम, आपके लिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। क्विक एनर्जी चेक में हम चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया आप दोनों की फीलिंग्स क्या हैं, अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं हम रात के लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन एक दो दिन में क्या होगा आपके लिए, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स ड्राइंग गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर का एक्शन बताइए, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। द हर्मिट, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड मून, ओके, और यहाँ पे देखिए एट ऑफ वंस। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि ये कोई डिसीजन पे आने वाले हैं, आपके लिए कोई रास्ता खोज रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपसे कम्युनिकेट ज़रूर होगा। देखिए यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन की ही एनर्जी, ये इंसान आपसे बहुत प्यार भरी बातें करना चाहता है, आपसे रिकनसाइल होना चाहता है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई ऑनलाइन आपकी बात हो सकती है, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज या कुछ ना कुछ आपके पास ज़रूर आएगा इनकी तरफ से। और आप अगर ऐसा होता है तो आप मुझे इसी रीडिंग पे आकर आप बता सकते हैं कि आज रात मैम बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसे आपने बताया था, और मैं चाहूँगी कि बहुत से लोगों के लिए रीडिंग मैच भी हो, ठीक है, क्योंकि गाइज मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ है। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक आज रात के लिए, अगर आपके पार्टनर से बात होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरी तरह आप पे डिपेंड है, पूरी पूरी बात नहीं पूछूंगी, चिंता मत करो, बहुत थोड़ा सा बताइए कि यस कम्युनिकेशन आया था, ठीक है। गाइस मैं सोचती हूँ कि यस आपकी कुछ प्राइवेसी है, यस मैं उसमें दखल नहीं देना चाहती, लेकिन आप मुझे शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, मेरे तक ही रहेगी बातें आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है, यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई रास्ता खोज रहे हैं, ये स्टक हैं पर स्टक एनर्जी से बाहर आने वाले हैं, मुझे ऐसे लग रहा है इनकी
हीलिंग पीरियड चल रहा है और ये वाकई में एक बदलाव से गुजर रहे हैं, आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं ताकि इनकी दुविधा खत्म हो जाए और एक पीसफुल निवारण किसी चीज़ का ले जाए, यानी कि सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पे इनके फियर्स हैं, डर हैं, लेकिन डर से आगे जीत है, इनको समझ आने लगी है, अभी डेफिनेटली आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ें पॉज हैं इनकी तरफ से, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ये बहुत जल्द कोई एक्शन लेंगे क्योंकि इनके इमोशंस हाई लेवल पर है, ठीक है। ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, रिबर्थ आप चाहते हो, तो ये भी आपके साथ रिलेशनशिप में पक्का करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ सीक्रेट बात आपके पास आ सकती है इनकी, ठीक है, कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन आपके पास आ सकता है और एक कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा, ठीक है। कुछ मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी जिसमें आपके लिए कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। चले देखते हैं इनका मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि इनका मैसेज जो है आपके लिए सॉन्ग के ज़रिए क्या है, और सॉन्ग मैं ज़्यादा नहीं निकालूंगी गाइज, ओके, क्योंकि ये क्विक एनर्जी चेक है और हम चेक करने वाले हैं आज रात आपके पार्टनर सॉन्ग के ज़रिए आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सॉन्ग है मेरे पास, क्या यही प्यार है बिन तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है गाइज, चलिए देखते हैं। हाँ यही प्यार है, यस, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। ये वाला सेकंड सॉन्ग है आपके लिए, ठीक है। आपके जो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इधर आपकी एनर्जी रखी है, तो यस, ये मेरे व्यूअर्स की तरफ से है, क्या यही प्यार है, ये वाला सॉन्ग मेरे व्यूअर्स की तरफ से है। और आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, तड़प तड़प के इस दिल से आह, यानी कि आपसे आप दूर नहीं रह सकते। चलिए और देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो सॉन्ग के ज़रिए। दरअसल तुम तो ख्वाब हो, आई डोंट नो कौन सा सॉन्ग है, बट ये मैं आपको बता देती हूँ, आप सर्च कीजिएगा, तुम तो ख्वाब हो, ऐसी कुछ ट्यून है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पार्टनर कौन सा सॉन्ग देना चाहते हैं आपको, बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, ये वाला सॉन्ग आपके पार्टनर देना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हो, और तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, वाकई में आपका होने लगे। और आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये कि नैना, और तुम, आप सब लोग भी मुझे बहुत प्यारे लगते हो, इसलिए आपको आज मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना है गाइज, ओके। और आपको रेटिंग मेरी पसंद आती है, मेरी बातें पसंद आती है, तो यस, आप कुछ भी मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ भी बताना चाहो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप मुझे बिल्कुल दिल खोल के बता सकते हैं गाइज। इसी के साथ आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में मैं मेरा इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है, मैं भी आपका इंतज़ार करूँगी। तो बिल्कुल आपको व्यूज़ बहुत सारे देने हैं, ठीक है, लाइक करना है, कमेंट्स सेक्शन में बताना है मुझे, ठीक है। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलूँगी गाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।